बहुत से दोस्त पूछ रहे थे कि आपका सेटअप कैसा है और आपने सेटअप में क्या क्या चेंजेस किए हैं और आपने कैसे वीडियो बनाते हैं और किस प्रकार से वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं। तो उसी के समझ में मैं आ चुका हूँ और मैं बताऊँगा कि मैं अपना वीडियो किस प्रकार से रिकॉर्ड करता हूँ और कैसे कैसे रिकॉर्ड करता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर सामने देख सकते हैं कि मोबाइल रखी रहती है और मैं यहाँ पर इस प्रकार से कुछ दो शुरुआत में दो लाइनें बोलता हूँ और बोलने के पश्चात मैं लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। तो दो लाइनें इसी प्रकार से बोलता कि हूँ कोई साथ दे या ना दे तू चलना सीख ले, कोई साथ दे या ना दे तू चलना सीख ले, हर आग से हो जा वाकिफ तू जलना सीख ले। कोई साथ दे या ना दे तू चलना सीख ले, हर आग से हो जा वाकिफ तू जलना सीख ले। कोई रोक नहीं पाएगा तुझे मंजिल तक पहुँचने से, कोई रोक नहीं पाएगा तुझे मंजिल तक पहुंचने से, बस हर मुश्किल का सामना करना सीख ले, हर मुश्किल का सामना करना सीख ले। थैंक यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी नंबर वन पे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी नंबर वन के YouTube चैनल पर। तो दोस्तों इस प्रकार से मैं कुछ अपनी शुरुआत की लाइनें को स्टार्ट करता हूँ और मैं यहाँ से अब थोड़ी सी भैया आ गए इनसे बात कर लीजिएगा। तो दोस्त शुरुआत में थोड़ा सा फ़ोन आ गया, इसे बंद करिए भाई। तो दोस्त हम लोग जब स्टार्ट करते हैं वीडियोस को, स्टार्ट क्या मतलब आज पूरा सिस्टम दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फ्रंट में आ जाता हूँ, इस पर तीन मार्कर रखे रहते हैं, एक होता है ब्लू है और एक रेड है, एक ब्लैक है, और यह माइक का कवर है। माइक का कवर मतलब कि ये समझ सकते हैं माइक रखा जाता है खोली जिसे बोल सकते हैं। और स्याहियाँ हैं जो कि स्याही है कैमलिन के वाइट बोर्ड की स्याही है, 25-25 रुपया मिलती है, और तीन चार कापियाँ हैं इस पर रखे हैं, और नीचे एक बोरी है जो कि गेहूं की बोरी है। आप लोग इससे इसको पहले से वाकिफ होंगे, जो पहले जानते हैं वही बोरी जो पिछले वाले में बताया था वही बोरी अभी तक बचा हुआ है, और सब जो बोरी थी उसको तो साफ कर दिया। और फाइनली अब चूंकि फिर बोर्ड के बारे में बता रहा हूँ, थोड़ा सा लाइटिंग के बारे में, माइक के बारे में, कैमरा के बारे में, और जो जल रहा है किससे जल रहा है, इन्वर्टर के बारे में इधर दिखा रहा हूँ। सबसे पहले बोर्ड की बात की जाए तो बोर्ड है हमारे 4x3x6 का है बोर्ड, यानी 3.5 फीट चौड़ा और 6 फीट लंबा है। लगभग लगभग 1000 का मिल जाता है, 1000 का बनवा लिए थे, अच्छा खासा बहुत मजबूत भी है। और बात की जाए तो अब फिर आगे की बात की जाए तो लाइटिंग की बात, तो लाइट मैंने 4 बल्ब लगाए हैं, एक 9-9 वाट के, 2 ठो हैं, एक ए भी है, तीन ठो 9-9 वाट के हैं, और एक 18 वाट का, 18 वाट वाला तेज प्रकाश देता है, 18 वाट का है। और इसमें बात की जाए तो एक बनाया हुआ है मैंने खुद हाथों से ही, एक दफ्ती का है और इसके अंदर एक पन्नी वाला लगा दिए हैं जो चमकता रहे पन्नी, यह वाला देख सकते हैं, हालांकि इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं इस समय। एक है जो कि यहाँ पर है लगा हुआ है और इसका भी बनाए थे, इसका यूज़ नहीं है क्योंकि ये 2 ठो है, एक रिलेशन से ले लिए थे, वहाँ पर फालतू भी पड़ा था एक 2 वाला, ज़्यादा इसका उपयोग तो नहीं है, वही वाला काफ़ी था, लेकिन है तो यूज़ कर रहे हैं, नहीं रहता तो नहीं यूज़ करते, जाहिर सी बात है। और एक ट्राईपोर्ड की बात, तो ट्राईपोर्ड दिख रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा सा इधर प्रकाश कर देते हैं, आप देख सकते हैं इसको मैनेज करने में कितना आसानी रहता है, इसको पकड़ करके इस प्रकार से मैनेज कर लेते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर, और उल्टा भी उधर से मैनेज कर लेते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार से लगा दिए हैं तो इसको मैनेज करने में थोड़ी सी दिक्कत नहीं रहती है। और ये आते हैं मोबाइल बस ऐसे लाते हैं तुरंत मोबाइल रहती है, और माइक लगाते हैं तुरंत ऐसे लगा कर स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ से देख सकते हैं इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, यानी कि पूरा जो ट्राईपोर्ड की सिस्टम होती है वो इसमें एकदम निहित है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसको ऐसे आगे पीछे भी हो सकता है और घूम भी सकता है, ये बांस की है बस, और इसको जमीन में गाड़ दिए ताकि यहाँ से कोई हिल भी नहीं सकता है, क्योंकि बहुत लोग आते हैं तो इसको कपाड़ लेते हैं, तो इसको गाड़ दिए कुत्ता कुत्ता मारने के लिए। और यहाँ पर थोड़ा सा उसी जगह रहिएगा, इधर दिखा थोड़ा सा प्रकाश को इधर कर दे, दिखाई नहीं दे रहा होगा। हाँ यहाँ पर एक थोड़ा सा है, इसमें 3-4 आइटम है, थोड़ा दिखा दें आपको भी ताकि देख लीजिए। देखिए ये जब शुरुआत वीडियो बनाते थे तो ये वाला माइक सैमसंग का है, और थोड़ा सा वायर छोटा था तो इसे बड़ा कर दिए थे तार जोड़ करके, एक हो गया, इसको भाई रखते हैं साइड में, इसका रिव्यू हो गया। और ये दूसरा माइक है, ये 150 रुपये का था, एक यहाँ पर है, इसका यह है और यह इसका यह है,
ये दूसरा वाला माइक है, हालांकि ये वाला भी माइक बेस्ट था, वो वाला माइक बेस्ट था, तब फिर भी मैंने क्यों लिया, थोड़ा सा होता है कि ये वाला एक बार हल्का हल्का यहाँ पर ज्वाइंट किए थे, सोल्डिंग नहीं करवाए थे, हल्का हल्का कभी कभी आवाज़ चर चर मार देता था, इस कारण से बदल दिए हैं। थोड़ा सोचते कि हम भी सब सुनते हैं बोया बोया बोया, लेकिन कुछ है नहीं, मान लीजिए ठीक ही है बोया, ये भी सही है, 150 वाला और 750 वाला समझ ही सकते हैं आप, तो जो दोनों बेस्ट हैं। और ये हाँ एक है या ये रेडमी 6 है, देखो यार जलने लगा यार। और एक है या इसे क्या बोलते हैं माउस, अच्छा माउस माउस वाह दाबो मत यहाँ से कटता है नहीं तो माउस दाब दे हो तो ये माउस है, और इसका ज़्यादा उपयोग नहीं है, बस उस समय ले लिए थे, सोचे कि हम भी थोड़ा माउस यूज़ करें और ले लिए थे, ज़्यादा उपयोग नहीं है इसका भी। और इधर थोड़ा सा आगे और ये देखिए इसको दिखा दीजिएगा, हाँ एक है या इसका नाम क्या है पेन ड्राइव ना, हाँ ये पेन ड्राइव है, ले लिए हैं 650 शायद मिला था कि 600 मिला था, और इसका यूज़ तो 3-4 वीडियो में किए बनाने के लिए, फिर उसके बाद नहीं कर रहे हैं इसका यूज़, बस मेमोरी से ही काम चल जाती है। और कैमरा की बात की जाए तो बस यही है, 6 है रेडमी 6 है, लगभग 6000 की मिली थी ना, 6000 या 6200 की मिली, 6000 की मिली थी, जो कि इसका फूट गया है, इससे रिकॉर्ड नहीं होता है, इस कार से इसे नुमाइश के लिए रखे हैं, और आगे वाले से जो रिकॉर्ड हो रहा है वहाँ पर दिख रहा होगा। हाँ तो और क्या बात भाई, लाइटिंग हो गई, हाँ इन्वर्टर की तरफ दिखा देते थोड़ा सा, ये हमारे पास इन्वर्टर है, हालांकि लगभग लगभग 1-2 महीना हो गया है, 2 महीना नहीं यार 1 महीना मैक्सिमम, एक है 11000-12000 में सब कुछ हो गया था, सेंटेरिया की बैटरी है, और एक है यूनिसेफ के क्या बोलते हैं उसे इन्वर्टर हाँ सही है, और तार, हाँ यहाँ पर तार देख सकते हैं, पूरा गुथ गया है तार, और वहाँ पर सरस्वती माँ का फोटो है, और क्या दिखा दिया आपको, 4 बल्ब तो दिखाई दिए, बोर्ड 4x6 का है, 1000 का मिला था, और अरे यार इसको तो भूल ही रहे थे, हाँ थोड़ा इधर प्रकाश करो भाई, ऐसे दिख रहा है, ये देखिए सबसे पहली फर्स्ट जो हमारी बोर्ड थी यही थी, हालांकि इसका तो अब यूज नहीं रहा, लेकिन शुरुआत में सबसे पहले इसी का यूज करते थे और इसी से वीडियो बनाते थे, लेकिन बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन लेकिन जो भी था बहुत बेहतर था, बहुत बेस्ट था, और इसको लगभग लगभग 60 रुपये का मिला था, बस लाए थे दीवार पे चिपका करके, देख रहे टेप उप लगा है, चिपका करके कहानी स्टार्ट कर दिए थे, और इसको आज लिए हुए करीब में 2 साल हो गए होंगे, डेढ़ साल मैक्सिमम, नहीं यार 2 साल हो गए जब मैक्सिमम, हाँ क्या है इसको भाई बस देखते हैं, और ऊपर कराकट है, नीचे मिट्टी है, और इसको देखिए दीवार है, एक यहाँ पर यह है चीज़ें, और एक कुर्सी है, और एक यहाँ पर एक कुर्सी और पड़ी हुई है, देख सकते हैं यह है, ये थोड़ा सा दिव्यांग कुर्सी है, इसकी एक पैर फ्रैक्चर हो चुकी है, और यहाँ पर हाँ एक बिस्तर है, एक इसे खाट बोलते हैं, हो सकता है आपके यहाँ कुछ और बोला जाता हो, बता दीजिएगा आप क्या क्या बोला जाता है, खाट है, और यह है इस पर सोने में थोड़ा सा आसानी रहती है, आराम से बैठ जाते हैं, और यहाँ पर आइएगा देखिएगा वो मटकी तो बहुत पहले का आप देख चुके होंगे, ये जो पहले थी वही वाली अभी तक है, और इसमें अभी जो वैसे कागज़ पुर्जा नीचे गिरे रहते हैं उसमें डाल दिया जाते हैं, इस पर का बंद कर देते हैं तोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत, ये बोया का है, बोया का माइक, और इस डंडे को तो देख रहे होंगे कभी का इंतजार कर रहे होंगे किस लिए ये रखा हुआ है, तो इसको जानते हैं, कभी मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो रात में रहता है, रात में दरवाजा नहीं है तो कभी कभी कुत्ते का बच्चा आ जाते हैं और कुत्ते भी आ जाते हैं, तो सोचना है इसे मार देते, थोड़ा हटा देते हैं आराम से, तो इसको भाई उधर ही रहने दीजिए, चलिए और कुछ तो छूट नहीं रहा है, माइक हो गया, ये मार्कर किसका लिए यार, व्हाइट बोर्ड का स्याही हो गया, माइक मार्कर 25 रुपये का था, ध्यान नहीं आ रहा इसमें किसका है मार्कर, क्योंकि इतना घिसते जैसे शुरुआत किए हैं वीडियो बनाना, बस 3 से अलावा नहीं लिए हैं, हाँ तो हो ही गया, बस अब क्या बता, हाँ हो गया, चलिए चलिए दोस्त, यही थी हमारी कुछ जर्नी, यदि आप में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा बता दीजिएगा, हमको भी एक प्रकार से आइडिया लग जाए कि किस प्रकार से इसमें क्या क्या कमियां हैं और किस प्रकार से मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूँ, यानी थोड़ी सी आइडिया आप लोग दे दीजिएगा, और जो भी रहेगी बातें बता दीजिएगा कि इसमें क्या होगी, जो भी शिकायत या जो भी कमियाँ हों या जो भी अच्छाइयाँ हों या जो भी बुराइयाँ हों सब बता दीजिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए बना है, तो हाँ तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।